Good morning everyone. I hope you all are doing great. My name is Premita. Welcome or welcome back to my channel. Welcome to another college vlog, A Week in My Life. So guys, मैंने सोचा कि मैं अपने A Week in My Life को शूट करती हूँ आप सबके लिए और मैं आपको ये बताती हूँ कि मैं अपने पूरे वीक में क्या करती हूँ. सो गाइज, आज मंडे है तो मंडे में हमारा एक ड्रेस कोड है, मतलब हम MBA स्टूडेंट के लिए मंडे और फ्राइडे एक ड्रेस कोड है. सो मंडे को हमें फॉर्मल्स पहनने होते हैं और फ्राइडे को हमें कैजुअल स्मार्ट पहनना होता है, स्मार्ट कैजुअल. सो अब मैं उसी के अकॉर्डिंग मैंने शॉपिंग की थी, मैंने फॉर्मल्स लेकर आई थी, पैंट और शर्ट. आज मैं वो पहनूंगी. अब मैं जा रही हूँ अब ब्रश करने, फिर मैं शावर लूँगी, उसके बाद फिर मैं रेडी हो जाऊँगी. एंड आई कैच यू लेटर. हाई गाइज, आई एम बैक. सो गाइज, नाउ इट्स 4:30. सो मुझे सिटी जाना है बिकॉज आई हैव टू गो टू डर्मेटोलॉजिस्ट. सो गाइज, मैं वहीं जा रही हूँ. सो अभी मैं और मेरे फ्रेंड हम दोनों स्कूटी रेंट पे लेंगे एंड देन वी विल गो टू सिटी. सो आगे की अपडेट मैं आपको आने वाले व्लॉग्स में दूंगी. सो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग. सो गाइज, मेरा जो हॉस्टल रूम है वो 3rd floor पे है. सो मैं लिफ्ट से नीचे जा रही हूँ एंड देन आई विल टेक अ बस एंड देन मैं कैंपस के बाहर जाऊँगी और स्कूटी लेके फिर मैं सिटी निकल जाऊँगी. सो गाइज, अब मैंने ये आउट पास ले लिया है और अब मैं जा रही हूँ कैंपस के बाहर. गाइज, ये कैंपस का बैकयार्ड है. सो मैं जनरली यहीं से जाती हूँ जब मुझे कैंपस के बाहर जाना होता है, तो मैं यहीं से जाती हूँ क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं होते, यहाँ पे बिल्कुल कोई क्राउडेड नहीं होता, तो यहाँ से जाना मुझे बहुत अच्छा पसंद है. एंड गोल्डन आवर, वाओ. सो गाइस, मैं अभी जब बाहर एग्ज़िट करूँगी तो मुझे एग्ज़िट करने से पहले अपने डे आउट की एंट्री करनी होगी बिकॉज़ ये हमारे सेफ्टी पर्पसेस के लिए है, तो हमें इसका रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है. गाइस, अभी शाम का टाइम है और आज मंडे है. सो बेसिकली आज कैंपस बहुत ही खाली खाली रहता है बिकॉज़ बहुत सारे कोर्सेज की आज ऑफ रहती है. सो इसीलिए आज कैंपस खाली है और ये कैफे फ्रिस्को जहाँ पे बहुत भीड़ है. सो गाइस, मैं कंडोली चौक पे यहाँ पर अपने फ्रेंड का वेट कर रही हूँ, स्कूटी लेकर आ रहे हैं. देन आई विल गो टू सिटी. स्नैक्स लेकर आई थी बिकॉज जो स्नैक्स की टाइमिंग में उसी टाइमिंग पे मैं अपने कैंपस के बाहर जा रही थी, तो मैंने स्नैक्स कैरी कर लिया. मुझे बहुत भूख लगी तो मैं जा रही हूँ स्नैक्स खा. सो गाइस, मैं अभी यहाँ पेट्रोल पंप पे हूँ क्योंकि आपको तो पता है जब हम स्कूटी रेंट पे लेते हैं तो हमें पेट्रोल भी खुद ही भरवाना पड़ता है. तो मैं और मेरे फ्रेंड यहाँ पेट्रोल पंप पे हैं और हम यहाँ पे अभी पेट्रोल भरवा के फिर हम आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे. सो गाइज, ये जो पेट्रोल पंप है ये पौंदा में है और यहाँ पे एक स्टोर भी है, कन्वीनियंस स्टोर. सो अगर आपको कुछ शॉपिंग करनी है तो आप वो भी यहाँ से कर सकते हो. सो गाइज, आज मैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गई थी तो उन्होंने मुझे ये मेडिसिन और क्रीम लोशन वगैरह दिया है. सो लेट्स सी क्या क्या है इसमें. दीज आर दी प्रोडक्ट्स विच आई हैव टू यूज़ टू रिमूव माय टैनिंग विच हैज़ बीन रिकमेंडेड बाय डर्मेटोलॉजिस्ट. फर्स्ट थिंग उन्होंने जो मुझे दी है वो ये टैबलेट्स दी हैं जो कि मुझे रात में खानी है. सो आई विल ईट टुडे. मॉइस्चराइज़र दिया है जो कि मुझे दिन में 3 बार यूज़ करना है अपनी बॉडी में. ये सनस्क्रीन है जो कि मुझे दिन में 2 बार लगाना है अपने हाथों पे. एक
एक लोशन दिया है जो कि मुझे रात में लगाना है जहाँ जहाँ मेरे बॉडी में ब्लेमिशेस है। आज मैंने और मेरी फ्रेंड्स ने डिसाइड किया है कि हम एथनिक पहन कर आएंगे। आज मैं एथनिक पहन कर आई हूँ। और गाइस आज ट्यूसडे है, सो आज मेरा लेक्चर 9 बजे से लगता है, तो मैं लिफ्ट में जा रही हूँ अपनी क्लास। सो आई कैच यू लेटर गाइस। सी दिस इज द मॉर्निंग व्यू ऑफ माई कैंपस। और गाइस ये जो माउंटेंस है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। सुबह उठते ही जब अपने हॉस्टल से मैं निकलती हूँ तो सबसे पहले मुझे यही व्यू दिखता है जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है। आई लव इट। हाय गाइस, सो आज मैं और मेरी फ्रेंड तुलसी हम लोग एथनिक पहन कर आए हैं। एंड नाउ वी बोथ आर क्लिकिंग पिक्चर्स, क्योंकि हमारा भी ब्रेक है, दैट्स व्हाई। और गाइस मैं और मेरी फ्रेंड्स, मेरी क्लासमेट्स और बैचमेट्स, हम सब जा रहे हैं कैफे फ्रिस्को टू ईट सॉफ्टी फ्रिस्को। यहीं पे ये अंदर से है। सो गाइस दिस इज द मेन्यू। दिस वन अच्छी होती है, पता है मुझे यही खाना। चोको चिप है ना उसमें? हाँ, जो चोको चिप नहीं है उस पे किशमिश है। हाँ ये वाला। और भी है यार वहाँ पर, यार ये खत्म हो गई, अच्छी हो गई। वहाँ पे और भी फ्लेवर्स हैं। आई नो ब्रो, ये वाला मेरा है ना, दो ही है, तीन ही है ना, कुछ भी खाओ, पहले प्राइस नहीं चाहिए। गाइस मुझे आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है। हमारी मार्केटिंग मैनेजमेंट की जो मैम है, उन्होंने हमें बताया था कि SOB के नीचे ग्राउंड फ्लोर पे न्यूज़पेपर अवेलेबल है। सो आप में से कोई जो न्यूज़पेपर रीड करता है और चाहता है अपने हॉस्टल के रूम में कैरी करना, सो आप वहाँ से जाके न्यूज़पेपर ले सकते हैं और उसको हमेशा पढ़ सकते हैं जब आपको पढ़ना है। मैं और मेरी फ्रेंड हम लोग SOB आ चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे SOB है और यहीं पर हमें न्यूज़पेपर मिलेगा। लेट्स सी कि एग्जैक्टली न्यूज़पेपर मिलता कहाँ है, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आप में से किसी को चाहिए होगा आप भी यहाँ से ले सकते हैं। सो गाइस दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे आपको न्यूज़पेपर मिलेगा। मैंने न्यूज़पेपर ले लिया है और मैं अब अपने हॉस्टल में ले जाके इसको पढ़ूँगी। इस आज का दिन ट्यूसडे ख़त्म होता है। अभी मेरा 4 बजे लेक्चर ख़त्म हुआ है, अब मैं अपने हॉस्टल जा रही हूँ। अब मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी, फिर स्नैक्स खाऊँगी। सो मैं गर्ल्स हॉस्टल में रहती हूँ, Tower 4 में। सो गाइस अब मेरे को एंट्री लेने के लिए यहाँ पे अपना फेस स्कैन करना होता है। लाइक दिस इज द स्कैनर, नाउ आई कैन गो इनसाइड ईजीली। दिस इज़ माई रूम 401। सो अब मैं अपने रूम में जाऊँगी और थोड़ा रेस्ट करूँगी। दीज आर माई कीज, सो लेट्स गो। सो गाइज दिस इज़ माई बेड, नाउ आई विल टेक रेस्ट। और अब 5 बजे स्नैक्स होगा तो मैं स्नैक्स करने जाऊँगी। मेरा लेक्चर ख़त्म हुआ है और मैं अब अपने रूम में आ गई हूँ। सो अभी मेरे स्नैक्स में ज़्यादा टाइम नहीं है, दैट्स वाई मैं सोच रही हूँ कि मैं ये नावल पढ़ लूँ जो कि बस ख़त्म ही होने वाली। इस नावल का, दिस इज़ द नावल विच आई एम करेंटली रीडिंग, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ये आ रही हूँ स्नैक्स खाने, उसके लिए मेरी एक फ्रेंड है अनन्या, मैं उसको जा रही हूँ लेने उसके रूम में। फिर हम दोनों नीचे जाएंगे मैस में और हम दोनों स्नैक्स खाएंगे। और आज स्नैक्स का जो मेन्यू है वो सरप्राइज है, आई डोंट नो उसमें क्या है, लेट्स सी। सो गाइस नाउ आई एम वेटिंग फॉर द लिफ्ट। जब लिफ्ट आएगी तो फिर मैं नीचे जाऊँगी। सो लिफ्ट आ चुकी है, यस। में हमें इमली की चटनी और छोले विद कटलेट मिला है, लेट्स सी ये कैसा लगता है। दिस इज़ माय फ्रेंड अनन्या फ्रॉम MBA 4 Batch 1। सो ये और मैं ईटिंग पार्टनर हैं, हम हमेशा एक साथ ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स और डिनर खाते हैं। कटलेट दूसरे टाइप का है क्या? और ये चटनी आफ्टर स्नैक्स मैं यहाँ पर
स्कूल ऑफ मॉडर्न मीडिया के सामने जो गार्डन है वहाँ पर आ गई हूँ। अब मैं यहाँ पर बैठ के अपना थोड़ा सा कुछ काम है मेरा सोशल मीडिया से रिगार्डिंग, तो मैं वो करूँगी। सिर्फ स्कूल ऑफ मॉडर्न मीडिया और इसके सामने ये जो गार्डन है, मैं यहीं पर आ गई हूँ। यहाँ पे ये चेयर्स और टेबल हैं, सो अब मैं यहाँ पे बैठ के अपना थोड़ा सा काम है मैं वो करूँगी। गाइस सो टुडे इज़ वेनसडे और गाइस अब 4 बज चुके हैं। मैं सुबह का आपको अपडेट नहीं दे पाई बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, उसके बाद मैं थक गई तो मैं सो गई। सो अभी 4 बज रहे हैं और गाइस मुझे ना एक मार्केटिंग मैनेजमेंट की केस स्टडी मिली है, सो मैं उसका मतलब मैंने केस स्टडी पढ़ ली है, मैं उसके नोट्स बनाऊंगी एंड देन उसके बाद मेरा स्नैक्स का टाइम होगा तो मैं स्नैक्स खाऊंगी एंड देन मुझे अपना रिज्यूमे रेडी करना है तो फिर मैं वो करूंगी। दिस इज़ माय ब्रेकफास्ट गोभी के पराठे। मैंने सॉस नहीं लिया बिकॉज मुझे कोई भी पराठा विदाउट सॉस ज़्यादा टेस्टी लगता है। सो गाइस आज थर्सडे है और मेरा लेक्चर 9 बजे से है, तो फर्स्ट लेक्चर मेरा उठने का है तो मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है। सो गाइस अब मैं जा रही हूँ अपने लेक्चर के लिए और मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है। सो गाइस अभी हमारा 11 से 12 ब्रेक है और मैं और मेरे फ्रेंड्स यहाँ पर स्कूल ऑफ लॉ में एक एरिया है, स्टेयर्स है, वहाँ पर हम लोग बैठ के टाइम पास कर रहे हैं। गाइस मीट माई फ्रेंड्स सलोनी, तुलिका एंड तुलसी। तब कुछ अच्छा भी कर लो। सो गाइस अभी 6 बज गए हैं तो लॉन्ड्री सर्विस आ गई है, तो मैं जा रही हूँ अपनी सारी लॉन्ड्री अपने लॉन्ड्री सर्विस में देने और उसके बाद मैं स्नैक्स करूँगी। आज मुझे स्नैक्स करने में लेट हो गया बिकॉज़ मैं लेक्चर लेकर जब 4 बजे आई थी तो मैं सो गई थी, तो अब मैं जा रही हूँ अपनी लॉन्ड्री देने और स्नैक्स करने। सो गाइज़ ये सारे कपड़े हैं जो मैं लॉन्ड्री में दूँगी, अब मैं इन सबको एक बैग में रखूँगी और फिर मैं इन सबको लॉन्ड्री में ले जाऊँगी। तो गाइज़ आज स्नैक्स में हमें वाइट सॉस पास्ता मिला है। नाउ आई एम ईटिंग दिस, सो यम्मी, सो डिलीशियस। सो गाइस मैं जा रही हूँ टावर 3 जहाँ पे हमारी लॉन्ड्री सर्विस आती है। सो गाइस दिस इज़ गर्ल्स हॉस्टल टावर 3, यहाँ पे हमारी लॉन्ड्री सर्विस आती है तो मैं यहीं जा रही हूँ। मैंने स्नैक्स खा लिया और लॉन्ड्री दे दी, अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ क्योंकि हमारी MBA की लाइफ में ना इतना ज़्यादा हमें स्ट्रेस होता है, हर दिन हमें कुछ ना कुछ मिलता है लाइक केस स्टडी, असाइनमेंट, फिर टेस्ट वगैरह सब कुछ मिलता ही मिलता है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। और इस वीक तो हमें इतनी सारी चीज़ें मिल गई है जिसको करना इट्स सो टफ, बट मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं टू डू लिस्ट बनाऊँ कि मुझे क्या क्या करना है और उसके अकॉर्डिंग जिसकी ड्यू डेट पहले है मैं वो काम पहले करूँगी एंड देन उसके बाद जिसकी ड्यू डेट है वो, तो ऐसे क्या होगा कि मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी एंड एवरीथिंग विल बी हैसल फ्री। सो मॉर्निंग एवरीवन, सो आज फ्राइडे है और आज मेरे 2 लेक्चर हैं, एक लेक्चर मेरा 10 से 11 है और एक 12 से 1 है और 11 से 12 के बीच में ब्रेक है। दिस इज द मॉर्निंग व्यू ऑफ आवर कैंपस, यहाँ पे इतनी सारी कार पार्किंग में है, ये सारे प्रोफेसर्स की हैं, कोई स्टूडेंट्स को तो अलाउ ही नहीं है। सो गाइस अब मेरा लेक्चर ऑफ हो गया है जो 12 से 1 था, अब मैं और मेरी फ्रेंड्स हम लोग जा रहे हैं कैफ़े क्योंकि मेरी फ्रेंड तुलिका का कल बर्थडे है और कल हॉलीडे है तो हम आज सेलिब्रेशन करेंगे, तो आज हम सब जा रहे हैं कैफ़े। लेट्स सी हम कौन से कैफ़े जाते हैं, वैसे प्लान तो हमने मैरीगोल्ड किया है बट लेट्स सी। सो गाइस हम कैफ़े मैरीगोल्ड आ चुके हैं, लेट्स सी यहाँ के मैंने बहुत रिव्यूज़ सुने हैं, लेट्स सी ये कैफ़े एक्चुअल में है कैसा।
दिस इज़ द इंटीरियर ऑफ मैरीगोल्ड. इट लुक्स क्वाइट गुड. लेट्स सी. अब सो गाइज, दिस इज़ मोस्ट ब्यूटिफुल यू कैन सी एरिया ऑफ मैरीगोल्ड. यहाँ पे आप बहुत सुंदर सुंदर फोटोज क्लिक कर सकते हैं. और यहाँ पे ये रहा मेन्यू जो कि अफोर्डेबल है. अब लेट्स सी हम क्या ऑर्डर करते हैं. और गाइज, यहाँ पे एक चीज़ और मैंने नोटिस की है कि यहाँ पे रीडिंग एरिया भी है. सो हम यहाँ पे नॉवेल्स भी पढ़ सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा है बिकॉज आई एम अ बुक लवर. सो कांटे वाले क्वांटिटी पसंद होती है. चलो हाय एवरीवन. सो आज संडे है और आज नवरात्र का फर्स्ट डे है. सो हैप्पी नवरात्र टू ऑल ऑफ यू. आई विश कि दुर्गा माँ आपके लाइफ के सारे दुख खत्म करके आपकी लाइफ खुशियों से भर दे. सो गाइस, जो मैंने व्लॉग शो किया था अ वीक इन माय लाइफ, आज उसकी एंडिंग है. और अब मैं ये ब्लॉग यहीं पे एंड करूँगी आपको विश करने के बाद. और मेरा भी 9 दिन का फास्ट है. सो गाइज, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर नवरात्र बिकॉज मुझे ये फेस्टिवल और ये फास्टिंग बहुत पसंद है. बस मैंने पूजा भी कर ली है. अब मैं बस वेट कर रही हूँ कि हमारी गर्ल्स हॉस्टल में टावर 4 में मतलब कॉमन रूम में इसका सेलिब्रेशन होगा, मतलब कलश स्थापना होगी. तो मैं उसका वेट कर रही हूँ. जब वो सब हो जाएगा देन आई विल ड्रिंक वाटर. अभी तक मैंने पानी भी वगैरह कुछ नहीं पिया है. मैंने मतलब कल रात को ही 9:30 बजे के अप्रॉक्स मैंने पानी पिया था. तो पानी पिए हुए भी मुझे 12 आवर्स हो चुके हैं. अब मैं वेट कर रही हूँ जब कलश स्थापना पूरी हो जाएगी, देन आई विल स्टार्ट माई फास्टिंग बाय ड्रिंकिंग वाटर, फ्रूट्स एक्सेट्रा जो भी मुझे प्रसाद मिलेगा. हाय गाइस, हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू. आई विश कि दुर्गा माँ आपकी सारी विशेष सारी ड्रीम्स आपकी पूरी करे. सो गाइस, मैंने पूजा कर ली है और अभी मैं हमारे टावर 4 है जो गर्ल्स हॉस्टल का, वहाँ पे कॉमन रूम में माता की चौकी बैठी थी और वहाँ पे कलश स्थापना थी. तो मैं वहीं गई थी. फिर मैं वहाँ पर गई. वहाँ पे जाने के हमने बाद मैंने पूजा किया, आरती की और अब मैं प्रसाद लेकर आ गई. तो गाइस, मैंने पिछले 16 घंटे से पानी भी नहीं पिया था. तो मुझे जो प्रसाद मिला वो खाने के बाद मैंने पानी पिया. अब मैं जा रही हूँ लंच करने. मैस में हमें फ्रूट्स मिलेंगे तो मैं उसी को खाने के लिए अब मैस में जा रही हूँ. मैस में हमें लंच में दही और वाटरमेलन मिल रहा है, तो उसके लिए मैं अपना लंच लेकर आई हूँ. और इसी में मैं अपने सारे जो भी मेरे को खाने के लिए मिल रहा है फास्टिंग के लिए, वो सारा इसमें लेकर फिर मैं वही अपना खाऊँगी.